मुंबई में मिस एंड मिसेज रॉयल ग्लोबल क्वीन का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय फैशन कॉन्टेस्ट में जांजगीर की अंतरवीणा सुनीता जांगड़े को मिसेज रॉयल ग्लोबल अवार्ड मिला है। इस आयोजन में बांग्लादेश समेत देश भर की मॉडल शामिल हुई। वहीं कई अभिनेत्री भी इस कॉन्टेस्ट में पहुंची और मॉडलों का उत्साह बढ़ाया। मिसेज रॉयल ग्लोबल क्वीन अवार्ड पाने वाली अंतरवीणा सुनीता जांगड़े का कहना है कि उन्होंने काफी मेहनत की थी और सफलता मिलने पर बेहद खुशी है। आने वाले समय में अब उनकी कोशिश है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले फैशन कॉन्टेस्ट में शामिल हो ताकि छत्तीसगढ़ के साथ देश का नाम रोशन कर सके। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही कठिनाइयों के साथ शुरुआत हुई थी। पिछले 3 महीनों से हमारी ऑनलाइन ग्रूमिंग जो चल रही थी वहाँ से तैयारियाँ चालू हुई और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ड्रेस कैसे लेना है, ज्वेलरी कैसे लेना है, हमारा बैग कैसा होना चाहिए, हर एक चीज़ के पीछे बहुत बारीकी से तैयारियाँ लगती हैं। तो बहुत बारीकियों से समाज सहजते थोड़ी कठिनाइयाँ आई, पर अंत में जब क्राउन सर पे मिला तो बहुत ही खुशी हुई। वहाँ तो भारत में बहुत से जगहों से आए थे और बांग्लादेश से भी कुछ लोग आए हुए थे, सुपर मॉडल्स आए हुए थे। वहाँ भी एक सरीन थी, वो आई हुई थी, और बहुत से फैशन डिज़ाइनर आए हुए थे बांग्लादेश से। और वहाँ का जो सफ़र है बहुत ही खूबसूरत है। मुझे मिसेस कैटेगरी में विनर का टाइटल मिला है, मिसेस रॉयल ग्लोबल क्वीन 2022 विनर फर्स्ट पोजिशन। ये एक शुरुआत है, कोई भी सफलता अंत नहीं होती है। ये जो सफलता मुझे मिली है ये मेरे आने वाले समय की शुरुआत है, मेरी यात्रा की कड़ी में एक पड़ाव है समझिए। तो मैं आगे और भी मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं वहाँ मैं जाना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय भारत से बाहर भी मैं परफॉर्म करने जाना चाहूँगी। तो मेरी इच्छा है कि मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे एज अ मॉडल परफॉर्म करूँ और अपने भारत को रिप्रेजेंट करूँ। This category goes to Antarvina!